अपने घर को खूबसूरती से सजाइए, आइए पर्दे वाला द फर्निशिंग बुटीक। यहाँ है टी डेकोर जैसे टॉप ब्रांड्स, कर्टन और सोफा क्लोथ, स्लीप वेल मैट्रेसेस एवं फोम्स, साथ ही इंडिया सर्कस की होम डेकोर आइटम्स की विशाल रेंज। पर्दे वाला LIC कॉलोनी वैशाली नगर अजमेर। मैं और मेरी पत्नी दोनों दूसरे गाँव गए हुए थे। मेरे दो लड़के हैं, वो भी कल त्यौहार का टाइम था, वो भी रामा सामा करने गए हुए थे नीचे। उस समय दो लड़के आए, एक का नाम यशवंत सुनोपश्री ओम प्रकाश जाति रेगर, एक था मनीष सुनोपश्री घनश्याम रेगर। दोनों आए, उसके बाद मनीष नीचे खड़ा था, स्कूटी लेके आए, स्कूटी के पास ही खड़ा था। यशवंत अंदर गया मकान में। मकान में जाने के बाद यशवंत ने उसके साथ बच्ची के साथ कुछ अपाजनिक हरकत करी उसने, या कोई रेप करा, रेप या कुछ भी करा। फिर अचानक मेरा बच्चा आ गया वहाँ पे, तो यशवंत घबरा के फिर हमारे घर की छत पे चढ़ के पीछे से कूद गया वो। फिर मेरा बच्चा नीचे गया, नीचे देखा तो उसकी स्कूटी खड़ी थी, तो मेरा बच्चा नीचे स्कूटी के पास खड़ा था। वो बोला, उसने सोचा स्कूटी लेने तो आएगा, तो फिर उसने फोन लगाया, तो यशवंत ने बोला कि तू ऐसे कर, तुम और तेरा दोनों भाई गोल्डन गेट होटल पे आ जाओ, तो अपन समझौता कर लेंगे। तो फिर जब उसका बड़ा भाई नहीं था उस टाइम, फिर बड़े भाई को फोन लगाया, फिर जब बड़ा भाई आया, फिर दोनों उस टाइम रास्ते में खड़े थे, फिर घर पे गए, तो इस बच्ची ने सुसाइड कर लिया। क्या मानते हो क्यों किया है सुसाइड? इसलिए करा, उस जो यशवंत था ना, उसने उसके साथ गलत कार्य करा। पहले से कोई जान पहचान थी आपके लड़के? ये अपन कैसे बता सकते हैं, जब अपन देखा ही नहीं, या जान पहचान थी या नहीं थी। कल कब की घटना? कल करीब करीब साढ़े तीन बजे की बात है। बच्ची नाबालिग है? बालिग है। बालिग है। आप क्या चाह रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं भाई के दोनों मुजरिम को गिरफ्तार करो पहले। श्रीनगर थाना क्षेत्र से एक लड़की के पंखे से लटककर सुसाइड करने की शिकायत मिली थी हमें। यहाँ हॉस्पिटल से हमें रिपोर्ट मिली थी कि ऐसे ऐसे लड़की ने सुसाइड किया है। परिवादियों ने रिपोर्ट दी है कि किसी दो लड़कों का नाम लिया है उन्होंने, इन्होंने घर में घुसकर हो सकता है लड़की के साथ कुछ गलत करने का उन्होंने शक जाहिर किया है, तो हम इसकी जाँच कर रहे हैं। जल्द जो भी जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी बताइए उन्होंने, लेकिन हमने अभी तक क्योंकि कार्रवाई हमारी काफी बाकी है, कार्रवाई करनी, हमें फिर रात को ही रिपोर्ट दर्ज हुई है। लड़की का पोस्टमार्टम हमने मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट लेके अभी रेप की धाराओं में किया है कि मैम दर्ज? अभी रेप की धाराओं में इन्होंने शक जाहिर किया है, जैसे रिपोर्ट आएगी हम। दो लड़के बता रहे हैं, दोनों श्रीनगर के।